नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। ब्राउनी हम सबको बहुत पसंद आती है और आज मैं आपको केवल 2 मिनट में तैयार होने वाली ओरियो बिस्किट की ब्राउनी सिखाने वाली हूँ। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तब आप इस ब्राउनी को केवल 2 ही मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए 2 मिनट में तैयार होने वाली ओरियो ब्राउनी बनाना शुरू करते हैं। ब्राउनी बनाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें मैं 6 टेबलस्पून ओरियो बिस्किट का चूरा ले लेती हूँ। ओरियो बिस्किट को मैंने क्रीम के साथ में मिक्सी में चर्न कर लिया है, मैंने वो लिया है। अगर आपने एक ओरियो बिस्किट ग्राइंड किया तो उसमें से आपको 1 टेबलस्पून चूरा मिलता है। मैंने 6 टेबलस्पून बिस्किट का चूरा लेने के लिए मैंने 6 बिस्किट को ग्राइंड किया था। 1/8 टीस्पून बटर, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून दूध, 3 टेबलस्पून। मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये ब्राउनी को हम माइक्रोवेव में बनाने वाले हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और ये बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस तैयार होती है। मैं हमेशा मेरे घर में एक पूरा डब्बा भर के ओरियो बिस्किट का चूरा रेडी रखती हूँ, मुझे जब भी मन हो तभी मैं इसे बना के खा सकती हूँ। हमारी सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसमें 1 चुटकी खाने का सोडा डाल देती हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने ब्राउनी बनाने के लिए ये सिलिकॉन का मोल्ड लिया है, ये मोल्ड मैंने जहाँ से मंगवाया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से मंगवा सकते हैं। अब हमने जो ब्राउनी का मिश्रण तैयार किया है उसे मैं मोल्ड में डाल देती हूँ। चम्मच की सहायता से इसे मैं लेवल कर लेती हूँ। अब मैं इसे माइक्रोवेव के अंदर हाई पावर पे 1.5 मिनट के लिए रख रही हूँ। 1.5 मिनट हो चुका था और मैंने मोल्ड को बाहर निकाल लिया है। ब्राउनी बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे मोल्ड में से बाहर निकाल लेती हूँ। दोस्तों ये बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली तैयार हुई है। हमारी ब्राउनी तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ क्योंकि हम इसे थोड़ा गार्निश करने वाले हैं। मैंने चॉकलेट सॉस को कोन में भर लिया है। चॉकलेट सॉस का रेसिपी मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसे मैंने कोन में भर लिया है, उसे मैं ब्राउनी के ऊपर ड्रिजल कर लेती हूँ। दोस्तों जब भी आप ये ब्राउनी बनाएं तभी उसके ऊपर चॉकलेट सॉस के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस तैयार होती है। मेरे घर में मैं इसे कई बार वनीला आइसक्रीम के साथ भी सर्व करती हूँ जो बहुत ही टेस्टी लगती है। उस पर मैं ग्रेट किया हुआ व्हाइट चॉकलेट डाल देती हूँ। हमारी 2 मिनट में तैयार होने वाली ओरियो ब्राउनी बनके तैयार है जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करिए और इसी प्रकार की रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।